मैं चंडीगढ़ आया हूँ घूमने के लिए और सामने वेदर देखो क्या मस्त हो रहा है ना, एकदम हल्की हल्की बूंदाबांदी चल ही रही है जब से निकला हूँ। आज रात को लग रहा है बारिश होगी, वेदर चेक करवा। तो मैंने सोचा जैपनीज गार्डन में नहीं जाता, इतनी मस्त हवा चल रही है। तो गाइस फिर से बारिश शुरू हो चुकी है सुबह, और बहुत मतलब एक तरह से दिल में तो धक-धक होती होगी लोगों के जिनका सामान ख़राब हुआ जैसे हमारा हुआ है यार। फिर सामान ख़राब भी है और फिर सफाई भी करो, पानी अंदर आएगा, पर अभी तक तो ठीक है। एक बारी को बढ़ गया था पर अब लेवल थोड़ा नीचे चला गया, सुबह तो लेवल बढ़ गया था अब नीचे चला गया। रात में तो ऐसे बिजली कड़क रही थी ना जब मैं वहाँ, मुझे लगता है यहाँ चंडीगढ़ के पास बिजली गिरी है, बिजली बहुत गिर रही है। और अभी तो चलो टच वुड स्लो है, बारिश बंद हो जानी चाहिए, बारिश का कोई फायदा नहीं है, धूप ठीक है। सामने वाली सड़क तो भर गई पूरी, अभी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ भरेगा, यहाँ भरेगा, आगे भी भरेगा, बस फिर हो गया काम। बहुत बुरा हाल है यार वो सड़क तो, मतलब चार बंदे मुंह भी देना खड़े तो भी भर जाती है। यह हमारा शेल्टर होम माउ नंबर वन, माउ नंबर टू, हाउ आर यू माय फ्रेंड, हाउ आर यू? सब्सक्राइब कराया आपने मेरे चैनल को, इसे हेलो कर लो, टोइंग टोइंग। ये दोनों माउ माउ चाउ बहुत प्यारे, ऊपर वालों का नाम रखा शैफी। ऊपर एक बिल्ली ने बच्चे दिए 5, वो तो बहुत प्यारे प्यारे हैं। ये भी, ये तो बचपन से ही हमारे पास रहे हैं। हेलो चाऊ, अरे प्यारा है ना इसको। ओई 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 ओई, मैं चंडीगढ़ आया हूँ घूमने के लिए और सामने वेदर देखो क्या मस्त हो रहा है ना, एकदम हल्की हल्की बूंदाबांदी चल ही रही है जब से निकला हूँ। आज रात को लग रहा है बारिश होगी, वेदर चेक करवा। तो मैंने सोचा जैपनीज गार्डन में नहीं जाता, इतनी मस्त हवा चल रही है। सो फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं जैपनीज गार्डन में, और ऊपर देखो ये सारे काले बादल हैं, पर कोई बात नहीं चलो। और अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं और इतना मस्त मौसम है और आपके पास टू व्हीलर है, फिर भी आप अगर चंडीगढ़ में ना घूमो तो मतलब सिटीजनशिप ले लेनी चाहिए आपकी चंडीगढ़ की वापसी, आपको भेज देना चाहिए बांग्लादेश, क्योंकि चंडीगढ़ तो भाई घूमने की जगह है अगर इस वेदर में आप निकल रहे हो तो। देखो क्या मस्त मस्त जगहों में भी लोगों ने नाम लिखे हुए हैं, सूरज, अमन, आंचल। बताओ लोग कितने बेवकूफ़ हैं ना, ये देखो। अरे यार इतनी मस्त जगह है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कोई चंडीगढ़ वाला बंदा ये चीज़ ख़राब नहीं करेगा, बाहर से आगे करके जाते हैं ना स्पीड पे। पर ये देखो व्यू है ना, एकदम झकास बैडास व्यू, मस्त है भाई, मस्त एकदम। आ सकते हैं आप यहाँ पर भी फोटो शूट करवाने के लिए, बढ़िया जगह है। ये देखो मेरे साथ इस जगह की वैल्यू और बढ़ गई, मैं आया था इस वजह से यार टूरिस्ट और ज़्यादा आएंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ, पर हल्की हल्की कन्वीनस हो रही है, थोड़ा सा घूमते हैं फिर चलते हैं घर की तरफ को। अब थोड़ी तेज़ होगी बारिश हल्की फुल्की, पर जब मैं सोच रहा था इस बार अब मैं जब भी दिल्ली जाऊँगा तो जब घर की बहुत याद आएगी, इतना मतलब टाइम स्पेंड करता हूँ ना जितना मम्मी पापा के साथ, फिर वहाँ दिल नहीं लगता, फिर होता जल्दी वापस जाओ जल्दी जाओ वापस। गलत है सिस्टम यार, मम्मी पापा को कहीं जाना चाहिए मेरे से दिल्ली में, अपन उनके बिना ना दिल सा नहीं लगता, कुछ भी करके आओ पर वापस आके ना मम्मी पापा तो दिखने ऐसे लाजमी है, उनके बिना मतलब ऐसा मन सा नहीं लगता। पर कोई बात नहीं, उनको बोलूँ ये बात वो बोलते हैं काम नहीं करना आगे नहीं बढ़ना ज़िंदगी में, तो कोई बात नहीं चलो फिलहाल तो घर पहुँचता हूँ। ये पेड़ देखो कितना मस्त लग रहा है ना, पास से दिखाऊँ है ना मस्त, किस चीज़ का है, बम्बू बम्बू होगा, बम्बू बैम्बू नॉट बम्बू बैम्बू। चलो चलते हैं भाई साहब, बारिश तो तेज होगी,
अब 11 बजे में पानी खड़ा हो जाएगा तो एक तो जाऊंगा कैसे, दूसरा भीग अच्छे से गया वो गालियां और खाऊंगा घर जाके, किस्मत ही ख़राब है। दिखाऊं फुल भीग गया हूँ भाई साहब, तो किस्मत ख़राब। अब अगर 11 बजे पानी भर गया तो जाऊंगा कैसे, और दूसरी बात अब गालियां खाऊंगा घर जाके, भीग क्या है साला, किस्मत बहुत ख़राब है। वेट करते हैं फिर निकलते हैं यार, भीग तो गया ही हूँ, या निकल जाओ चलो सोचता हूँ और फिर देखते हैं क्या करना है। आज का दिन ना इस ट्रिप का मेरा सबसे बेस्ट डे था, मौसम बढ़िया और बढ़िया बारिश में घूमा और अभी तक मौसम बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट मौसम है। अपनी बंदी को उठाओ और घूम करो, बंदीबाजी वाला मौसम है आज तो चंडीगढ़ में सीरियसली, तो बस घूमो सेफली, अपनी तबीयत का भी ख्याल रखो और मौज करो भाई, ज़िंदगी में मौज करने तो आए हैं।